जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली Realme GT Flash aka Realme Flash फोन लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये दोस्तों इंडिया में कब लॉन्च होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आज सुबह दोस्तों पांच ऐसे मैं आपको स्मार्ट वॉचेस बताया हूं जिन्हें आप 5,000 रुपए के अंदर में खरीद सकते हो। अगस्त के मंथ में 500 नए स्मार्ट वॉचेस हैं। अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड हो, वीडियो दे रहा हूं आई बटन पे क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोज को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये जो स्मार्टफोन है ये Realme का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है, जी हाँ दोस्तों, और ये वर्ल्ड का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो मैग्नेटिक चार्जर्स को सपोर्ट करता है। और डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स का स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर देता है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन स्पेक्टेकुलर है, अमेजिंग है, जो कहना कह लो यार। 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस LTPO Samsung E4 सुपर एमलेट पैनल देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है, डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा कर्व्ड रहेगा, चिन्ह आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, साइड में छोटा सा पंच होल होगा। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन एकदम दोस्तों फिनोमिनल है। आप जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, मूवीज देख रहे होगे, स्क्रोल कर रहे होगे, एक्सपीरियंस बटर की तरह दोस्तों स्मूथ होगा, क्योंकि यार क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन है, LTPO सुपर एमोलेड पैनल है, ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कॉम्बिनेशन है काफी दोस्तों खतरनाक है। आपको हर चीज एकदम क्लियर दिखाई देगा, स्पेशली जब गेमिंग कर रहे हो ना, तो जो भी दोस्तों ग्राफिक्स हैं इतने अच्छे, इतने क्लियर दिखाई देंगे, इतने कलरफुल दिखाई देंगे कि आपको क्या बताऊं मैं। तो यार बस यार डिस्प्ले को लेकर अभी तक तो इतने स्पेक्स बाहर आए थे, इतने स्पेक्स आपको मैं बता दिया। Realme ज्यादा कुछ बताया नहीं है क्योंकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट फोन है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो दोस्तों देखो यार, कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन इतना अच्छा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन आग है आग। DXO मार्क पे पक्का दोस्तों बहुत ही अच्छे रैंक्स हासिल कर लेगा, लेकिन दोस्तों नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्मार्टफोन कमर्शियली अवेलेबल होगा ही नहीं। खैर वो सब बातें मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा, फिलहाल बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का जो एक वाइड एंगल लेंस है, जहां पर आपको सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिल जाता है और OIS का भी सपोर्ट है। ये वही दोस्तों कैमरा है जो Realme GT Master Explorer एडिशन में देखने को मिला था, और OnePlus Nord 2 में भी यही कैमरा है। जो दोस्तों सेकंड कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX766 सेंसर के साथ ही है, सोच सकते हो कितना अमेजिंग बात है, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है तीसरा कैमरा। यार कम से कम टेलीफोटो पेरिस्कोप ये सब तो दे देते 12 मेगापिक्सल का, क्या जरूरत है 2 मेगापिक्सल देने का यार, इतना अच्छा अच्छा काम करते हो लेकिन लास्ट में 2 मेगापिक्सल ही थमा दोगे, ये बात मेरे को अच्छा नहीं लगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है सोनी IMX615 सेंसर के साथ, जो दोस्तों एक वाइड एंगल लेंस है छोटे से पंच होल के साथ आता है। ये वही सेल्फी कैमरा है जो आपको Realme GT Master Explorer एडिशन और Realme GT Master एडिशन में देखने को मिला था। ये भी दोस्तों बहुत ही अमेजिंग सेल्फी कैमरा है, आप दोस्तों बहुत ही अच्छे सेल्फीज ले लोगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। UFS 3.1 का शोर सपोर्ट मिल जाता है, LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। 4500 mAh का बैटरी मिलता है, 15W के वायरलेस मैग डार्ट को सपोर्ट करता है, 50W के मैग डार्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, 65W के नॉर्मल चार्जर को सपोर्ट करता है। वो भी दोस्तों फास्ट चार्जर है, लेकिन उसको नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है ना, जिसको हम लोग प्लग में लगाते हैं, वही चार्जर जो सभी स्मार्टफोन्स में मिल जाता है, तो वो वही चार्जर है 65 वॉट का। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, Realme UI 2.0 पे रन करेगा, NFC का भी सपोर्ट है, BC लिक्विड कूलिंग भी मिल जाता है, Wi-Fi 6 के साथ आता है। तो ये हो गए दोस्तों मेन स्पेसिफिकेशंस। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हो, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Realme GT Flash में आपको दोस्तों Snapdragon 888 प्लस देखने को मिलेगा, जो दोस्तों 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 660 के GPU के साथ आएगा। ये दोस्तों Qualcomm का अपकमिंग फ्लैगशिप चिपसेट है, ये दोस्तों अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सुफियान भाई Realme GT Flash तो लॉन्च हो गया है। यार वो लॉन्च नहीं हुआ है, वो अनवील हुआ है, वो कॉन्सेप्ट फोन है, वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं हुआ है, दिखा के बस रख दिया गया उसको। तो अभी
अभी तक स्नैपड्रैगन 888 प्लस लॉन्च नहीं हुआ है। वो कब लॉन्च होगा? 10 तारीख को लॉन्च होगा Mi Mix 4 के साथ। Mi Mix 4 वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ लॉन्च होगा 10 तारीख को। अगर वो नहीं होगा तो 12 तारीख को Honor Magic 3 लॉन्च हो जाएगा 100%, वो दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ आएगा। लेकिन Realme GT Flash को कोई परचेस कर ही नहीं सकता है, वो एक कॉन्सेप्ट फोन है, उसको दिखा के रख दिया गया इसी वजह से दोस्तों। तो शायद Mi Mix 4 दोस्तों वो स्मार्टफोन हो जाए, 10 तारीख को लॉन्च हो ही रहा है, पता चल जाएगा, नहीं तो 12 तारीख को तो Honor Magic 3 है। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन 888 प्लस का खिताब जीतता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो यार, डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन कंप्लीटली अलग है। Realme के जो दोस्तों टिपिकल स्मार्टफोन का डिजाइन होता है उनसे बिल्कुल ही अलग है। जो कैमरा हाउसिंग है देखने में दोस्तों काफी कुछ OnePlus के स्मार्टफोन्स का वाइब दे देता है, जैसे कि OnePlus Nord 2, OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन जो है वैसा वैसा थोड़ा वाइब दे देता है, लेकिन देखने में काफी प्रीमियम लगता है। अगर आगे से देखोगे तो कर्व्ड है, चिन बहुत ही कम है, छोटा सा पंचोल है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्ड वाइज अगर देखोगे एल्यूमिनियम बैक के साथ आता है, एल्यूमिनियम यूनिबॉडी है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्ड वाइज काफी प्रीमियम है। जो बैक है वो मैग डार्ट चार्जर्स को सपोर्ट करता है, मैग्नेटिक चार्जर्स को सपोर्ट करता है, फट्टे से चिपक जाएंगे और स्मार्टफोन को चार्ज कर देंगे। डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 2 दिन पहले चाइना में अनवील किया गया था, लॉन्च नहीं किया गया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्राइसिंग की बात कर ले तो प्राइसिंग सबको मालूम है चाइना में, चाइनीज जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब प्राइस बताए हैं वीवो पे, लेकिन रियलमी अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि इसका प्राइसिंग क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फोन है यार, प्राइसिंग नहीं होता कॉन्सेप्ट फोन का, ठीक है। मैं फिर भी आपको प्राइसिंग बताता हूँ। 8+128GB जो 15W के मैग डार्ट चार्जर को सपोर्ट करता है 49,300 का मिलेगा, और 8/128 50W का दोस्तों जो मैग डार्ट चार्जर है उसको सपोर्ट करता है, इसी वजह से इसका प्राइस बढ़ गया है 51,614 रुपये का। 12/256 57,350 रुपये का, वो भी 50W के मैग डार्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, बॉक्स में दे देंगे आपको, सपोर्ट तो सबको करेगा वो। तो यही है दोस्तों प्राइसिंग। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। आप दोस्तों Realme मैग डार्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको देख लो, चाहे 15W का मैग डार्ट चार्जर को देख लो, चाहे 50W के मैग डार्ट चार्जर को देख लो, चाहे मैग डार्ट वॉलेट को देख लो, मैग डार्ट पावर बैंक को देख लो, मैग डार्ट फेस ब्यूटी लाइट को देख लो, सबको देख लो, किसी का भी प्राइस नहीं बताया गया है, बस उनके बारे में दिखाया गया है, उनके बारे में बताया गया है, प्राइस नहीं बताया गया है, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो बस यही है दोस्तों कहानी। अब आप देखो यार, मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको समझाने के लिए। Mi Mix अल्फा को देख लो, सब कुछ बताया गया उसके बारे में, Xiaomi का कॉन्सेप्ट फोन था, प्राइस बताया गया नहीं ना, कॉन्सेप्ट फोन का दोस्तों प्राइस नहीं बताया जाता है, ठीक है, लेकिन प्राइस सबको मालूम है, मैं बता दिया आपको प्राइस। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, पहली बात, ये स्मार्टफोन इंडिया में तो क्या कहीं पर भी लॉन्च नहीं होगा। दूसरी बात, ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो कैसे, मैं बताता हूँ। ये दोस्तों जो फोन है ना, ये कॉन्सेप्ट फोन है, इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जाएगा, इसको दोस्तों एक नए नाम के साथ लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन वो कब होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे को मालूम चला, मैं आपको बता दिया। ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, अलग तरीके से दिखेगा, इसके अलग अलग कलर वेरियंट्स होंगे, एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह ये भी लॉन्च होगा, लेकिन कब लॉन्च होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन लॉन्च जरूर होगा कमर्शली, लेकिन वो दोस्तों एक दूसरा स्मार्टफोन होगा। ये कॉन्सेप्ट फोन है यार, ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, इंडिया में तो क्या कहीं पर भी लॉन्च नहीं होगा, और आप भी वेट मत करो, अल्टरनेटिव बताता हूं मैं। अगर दोस्तों अल्टरनेटिव की बात कर ले तो अगर आपका बजट 40,000 रुपए है तो आप ओप्पो रेनो 6 प्रो परचेज कर सकते हो, 50,000 रुपए अगर आपका बजट है तो आप दोस्तों OnePlus 9 सीरीज के कोई स्मार्टफोन को परचेज कर लो, नहीं तो iQOO 7 लेजेंड को परचेज कर लो, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, नहीं तो Samsung Galaxy S21 के तरफ जा सकते हो, थोड़ा सा पैसा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, नहीं तो Vivo X60 प्रो परचेज कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, नहीं तो दोस्तों आप 30,000 रुपए में आ जाओ, OnePlus Nord 2 परचेज कर लो, वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, नहीं तो आप Poco F3 GT भी परचेज कर सकते हो अगर आपका बजट 25-26,000 रुपए के आसपास है। तो सारे रेंज के स्मार्टफोन्स बता दिया हूं, अब आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन से स्मार्टफोन को परचेज करना है। तो दोस्तों बस यही कहानी Realme GT Flash aka Realme Flash फोन का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 70 लाइक का, जल्दी से कर दो यार, और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जल्दी से शेयर कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Realme GT Flash aka Realme Flash फोन कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी अगले और एक नए वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।
यार गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ भी कहो रात के 3 बजे शूटिंग कर रहा हूँ तो भी इतना गर्मी है, देख रहे हो पसीना फेंक दे रहा है तुरंत। We'll be right back.